मेथी का कनेक्शन है आपके ब्रेन से, और किस तरीके से ये ब्रेन को कंट्रोल करता है, किस तरीके से ये आपके हॉर्मोन्स को करेक्ट करता है और प्रेग्नेंट होने में आपकी मदद करता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी रसोई की प्यारी सी चीज, बड़ी कॉमन सी चीज, हम सबके घर में होता है मेथी, लेकिन मेथी को कैसे यूज करें कि इससे हमारी फर्टिलिटी इंप्रूव हो, और मेथी किन कंडीशन में आपको यूज करनी है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, दोनों ही के लिए ये बहुत अच्छा होता है। कई महिलाओं को एग नहीं बनता, एस्ट्रोजन नहीं ठीक से बढ़ रहा है, एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो पीरियड्स भी नहीं आते हैं। महीने महीने से पीरियड्स नहीं आते, मेडिकेशन होता है तो दवा लेते हैं तो पीरियड्स आते हैं, अदरवाइज पीरियड्स नहीं आते। लेकिन यहाँ दवा की जगह अगर आप मेथी का सही यूज करें तो थोड़े समय में प्राकृतिक तरीके से आपका शरीर संतुलित होगा और पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। शरीर में अगर टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ा है, महिलाओं की बात कर रही हूँ, तो उसको ठीक करने में ये मेथी कारगर है। वजन कम करना चाहते हैं, चर्बी को घटाना चाहते हैं, शरीर पे अनावश्यक अननेसेसरी फैट बढ़ गया है, तो मेथी आपकी मदद करेगा। इसका मैकेनिज्म समझते हैं, जो साइंस ने बताया है कि जब भी आप मेथी कंज्यूम करते हैं तो मेथी के एक्टिव कंपाउंड्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। पिट्यूटरी का स्टिमुलेशन FSH के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ने से एग का प्रोडक्शन होता है, जो एग आपकी ओवरीज में है वो मैच्योर होते हैं और समय से ओवुलेशन होता है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि मेथी के अंदर फाइटो एस्ट्रोजन्स पाए जाते हैं जो मिमिक करते हैं एस्ट्रोजन को और बॉडी के अंदर FSH के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो बढ़ती उम्र में मेथी यूज करें जिससे कि एग अच्छे से साइज में डेवलप हो सके और ओवुलेशन समय से हो सके। जिनको पीरियड्स बिल्कुल नहीं आते उनके पीरियड्स भी इस तरीके से रेगुलर हो जाएंगे। इसके अलावा ये लिबिडो को इम्प्रूव करता है। अगर आपको सर्वाइकल म्यूकस ठीक से नहीं बनता है तो ये उसके प्रोडक्शन को भी ठीक करता है, जिससे कि आपका ओवुलेशन टाइम आप बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर पाती हैं, आपके बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बन जाता है और इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है मेथी। पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और लिबिडो को इम्प्रूव करता है, तो मेथी फर्टिलिटी के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन मेथी खाने में थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो कई बार मेथी का ड्रिंक अगर प्रिपेयर करते हैं कि जैसे एक चम्मच मेथी को रात भर एक गिलास पानी में सोक किया, सुबह मेथी को छान कर वो पानी पिया, बहुत सारे लोगों के लिए ये इजी नहीं होता क्योंकि थोड़ा बिटरनेस होता है उसके अंदर। तो हम मेथी को चाय के फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि कुछ मेथी के सीड्स लिए, पानी में बॉईल किया, हनी ऐड किया। आप चाहें तो दूसरे भी कुछ हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मोरिंगा ऐड कर सकते हैं, अमरूद का पत्ती का पाउडर, या घर में पेड़ है अमरूद का तो अमरूद की पत्तियाँ उसके अंदर ऐड कर दें। दो तीन कॉम्बिनेशन में चीज़ें डालकर उसका टी प्रिपेयर करें और आफ्टर मील वो टी ले सकते हैं। ये PCOD के पेशेंट्स के लिए अमृत के समान है। मेथी का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे शुगर कंट्रोल होता है। लेकिन अगर इस तरीके से भी आप मेथी नहीं खा पा रहे हैं तब क्या करें? ऐसे में मार्केट में जिलेटिन कैप्सूल्स मिलते हैं, खाली कैप्सूल्स, उसके अंदर हमको मेथी भरना है। क्या करना है? मेथी लेना है, पोंछ लेना है, सूखा हुआ ही मेथी हमको लेना है, अच्छे से डर्ट हटानी है, उसको पीसना है, बारीक पाउडर प्रिपेयर करना है मेथी का। उसके बाद मेथी को उन जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर पैक करना है और डेली दो कैप्सूल्स आपको लेने हैं, चाहे तो एक बार में ले ले या फिर एक कैप्सूल दोपहर में, एक कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन मेथी अगर महिलाएं ले रही हैं तो उनको पीरियड के पहले दिन से 15 दिन तक लेना चाहिए, और पुरुष ले रहे हैं तो 12 हफ्तों तक नियमित प्रयोग करना चाहिए। पुरुषों में स्पर्म पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है, और अगर आपको स्पर्म पैरामीटर रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेथी और कलौंजी को बराबर मात्रा में लें, दोनों का पाउडर बनाएं और उसको कैप्सूल में डालकर डेली दो कैप्सूल आप सेवन करें। ये फॉर्मूला पुरुषों के लिए है, तो इससे प्राकृतिक तौर पर आपके स्पर्म प्रोडक्शन और उनके पैरामीटर्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगे। लेकिन 3 महीना यूज ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने हमें YouTube मॉम चैनल पर भी ज़रूर फॉलो कर लिया होगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग टिप्स लेकर आती हूँ। साथ ही YouTube सहेली चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।